अपना ब्रांड बेचने के लिए कपड़े कितने फायदा उठाना। और बात बीच में ये कर रही है जी आई एम शोइंग सोलिडारिटी विद द गजा विद द फिलिस्तीनियंस। हाउ कम भाई, तुम तो अपने अपनी दुकान चला रही हो। न्यूज में रहने की इतनी डेस्परेट किस्म की अटेम्प्ट है, हर वक्त इसने मेहरब मोइस के साथ जो है सींग अड़ाए हुए होते हैं। वो चाहती है कि हर चीज के अंदर ना वो आकर अपने आप को ना एक मुसलमान का लेबल लगाकर चीजें बेचना चाहती है। दैट इन द रॉन्ग वे टू गो अबाउट इट। इस तरह से पाकिस्तान के अंदर आपके मुल्क के अंदर डिविजन्स बढ़ती है। जो बड़े बड़े ब्रांड्स है उनको फिर समझ नहीं आती ना कि जी अब हमने अपने जो अगला आना है सीजन उसमें हमने लोगों को अट्रैक्ट कैसे करना है। सो दे गो फॉर ऑल काइंड ऑफ द स्टंट। कैन नॉट बी एडवोकेटिंग एवरीथिंग ऑल द टाइम। और आप हर वक्त मतलब एवरी टाइम शी इज एनीवेयर व्हाट शी डज इज के वो ना एक बंदे को ही उठाकर टारगेट करती रहती है। Assalamualaikum everyone, welcome to Women's Lounge with Shiza and Naima. Assalamualaikum to all. आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं अजीम और शान मारिया बी के ऊपर। मारिया बी ने बड़ी कोई कैंपेन लॉन्च की है, कैंपेन के ऊपर एक अलग मसला चल रहा है और उसके अलावा उसके जो प्रिंट्स हैं उसके ऊपर एक मेरे ख्याल से अलग एक प्रॉब्लम चल रही है। आई थिंक मारिया बी हैज बीन इन द लाइमलाइट फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस फॉर पास्ट 4 to 5 ईयर्स है ना। तो क्या ख्याल है, हंसी आ रही है आपको? या एज यू सेड, आई मीन शैपी किस्म का कैरेक्टर है और हमेशा कोई ना कोई ऐसा कर भी होती है, पता नहीं इंटेंशनली करती है या जस्ट टू गेन द फेम। दिस इज वन ऑफ हर यू नो मार्केटिंग टैक्टिक्स। तो नहीं है कि वो चाहती है कि मैं न्यूज में आऊँ। और आई मीन इफ यू रिमेम्बर गोइंग थ्रू द कोरोना टाइम, वो जो एक मेड थी इसका वो याद है, तो मैं उस पर भी बड़ा सोशल मीडिया पे हुआ था। शी सेंट हिम अवे हर सर्वेंट, आई डोंट नो मेड थी सर्वेंट क्या था, बट आई मीन हाउस हेल्प। हाँ उसको डिस्पाइट नोइंग ही या शी, मुझे याद नहीं है, जो उसको कोरोना था, पर फिर उसके बाद इसे सोशल मीडिया पे आके विद हर हस्बैंड इसने स्टेटमेंट्स दी थी कि जी नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। अब देखो ना इसको, यानी आई मीन in all these instant, I mean what is whatever is going in Gaza or Palestine, usne apni solidarity dikhane ke liye apni nayi wo nikal liye, usne fashion line ya apna ek naye kapde le aayi hai aur kifaya jo hai wo banaya hai isne, sorry not kifaya, it's kufiya. So matlab what she want, aur phir uske baad tum dekho agar hum isi ke upar baat karenge ki bhi aage dekho uske baad jo jo design banaye bhi hain wo aakhir mein nikle plagiarized hai. Ek turkish bahut bada designer hai Alina Ghali ne jab usne point kiya, balki usne pata hai kis tarah ki aaj kal social media ka yaar daur hai, usne jaake tag kiya ki ye dekhen ji ye uska hai. To phir uske baad she justified the whole story ke nahi to meri to collaboration hai. और फिर उसके बाद उसने ये भी स्टेटमेंट इंस्टाग्राम अपना जो उसका ऑफिशियल हैंडल है उसमें वो कहती है कि लोग यहाँ पे खुद तो कुछ करते नहीं और जो कर रहे हैं उनको उन्होंने बस जीने नहीं देते। मतलब क्या है ये, किसने ये भी मार्केटिंग का क्या वो तो नहीं है तरीका नया। मुझे लगता है अच्छा बता, मारिया बी जो है ना, मारिया बी का जो ब्रांड है वो बड़े अरसे से ना बहुत ज्यादा एक डिक्लाइन में चल रहा है, बहुत ही मुसीबत में चल रहा है। कोई ज्यादा उसका वो नहीं है और इतनी ज्यादा कंपेटिटिव मार्केट हो चुकी है कि मारिया बी ने ना अपने आप को रीलॉन्च करने की हर तरह से उसने कोशिश की है। आप इंस्टाग्राम देखा हो तो बेसिकली वो जो है ना अपनी बेटी को फातिमा भी जो है उसको भी साथ लगा के, तो उसके साथ साथ ना मिलके ट्रेंडिंग वीडियोस बनाने की कोशिश करती है। तो बेसिकली शी वांट्स मीडिया अटेंशन, ठीक है। सो वो कंटेंट क्रिएटर तो नहीं है बट शी वांट्स मीडिया अटेंशन, तो वो इस तरह की चीजें करती है। तो जो जाहिर है इंस्टाग्राम के यूजर्स जो है वो यूथ है, तो उसे अपनी बेटी को साथ लगा के तो ये वाला थोड़ा सा करना स्टार्ट किया। इसके अलावा आपने देखा होगा मारिया बी ने रिसेंटली भी जब जो कोविड वाली मतलब देखो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लोगों ने जो नीचे लिखा है कमेंट्स में पढ़ी थी, व्हिच इज राइट, इवन न्यूज के ऊपर भी जो क्रिटिक किस पे आई है वो ये अपॉर्चुनिटी एक किस्म की तुमने देखा है और अपना ब्रांड बेचने के लिए कपड़े तुमने फायदा उठाना। हाँ और थीम तुमने ले आई हो कि
और बात बीच में ये कर रही है जी आई एम शोइंग सॉलिडैरिटी विद द गजा विद द फिलिस्तीनियंस, हाउ कम भाई तुम तो अपने अपनी दुकान चला रही हो। That is true. आपको पता है थोड़ा अर्सा पहले इसी तरह की एक कैंपेन जो है जारा ने लॉन्च की थी, जिसके अंदर उसने भी दिखाए थे मतलब मैनिकिन्स थे जिनके हाथ पांव कटे हुए थे और उनको तो क्रेप्स के अंदर थे। सो बेसिकली उसने जो है ना उसी आइडिया को आगे कैश ऑन करने की कोशिश किया उसने, और आगे उसने साथ उसको थोड़ा सा उसने अपने ना जो कांस का और ये जो इनके जो मसले चले थे कि ये पैलेस्टीनियन सॉलिडारिटी जो उन्होंने शो की उस दोनों का उसने मर्ज करके कुछ बनाने की कोशिश की थी एंड इट बैकफायर्ड लाइक एनीथिंग। पीपल हैव बीन टॉकिंग अबाउट पैलेस्टाइन द इशू since October and it's been a really long while. People do not want to, you know, sort of, I mean, these things are there. We are not saying ki ye iske humein solidarity show karne ki zarurat hai, but there is so much that's going on beyond as well. People also want to know, agar aap Pakistan mein rehte hain, kya aap Pakistan mein Baloch ki baat kar rahe hain, jo aapka home issue hai, uske upar to aap baat nahi kar rahe hain. Aap teesre marhale mein jaake kahe ki humne unke liye saath solidarity show karni hai. It shows some selective solidarity ki aap un logon ke saath hain aur un logon ke saath nahi hain. So why is that so? And the other thing is ki ye news mein rehne ki itni desperate kisam ki attempt hai har vakat isne Mehrab Moiz ke saath jo hai अड़ाए हुए होते हैं एंड देयर देयर इज ऑलवेज अ स्पैट गोइंग ऑन। मतलब यू पिक अप एनी मोमेंट ऑफ द डे देन शी हैज दिस यू नो एक और भी इसका एक प्लेटफॉर्म है जिसमें इसने लिखा हुआ है मदर्स ऑफ पाकिस्तान, सो शी कॉल्स हरसेल्फ वन ऑफ द मदर्स ऑफ पाकिस्तान। अच्छा हु गेट्स टू डिसाइड हु इज अ मदर ऑफ पाकिस्तान, आई हैव नो आइडिया बिकॉज एवरीबडी प्रॉबेबली आप मैं हम सब माए हैं ना और हमने पाकिस्तान में ही बच्चे जने हैं, सो दैट मेक्स everyone a mother of Pakistan, but then this is all something that is going on. Mujhe badi confusion hoti hai around Maria because she's not working on improving her brand, the quality of her clothes, the idea behind any of these matlab ke but diya ke she is working, you know, apne is sare ko मतलब वो बताया कि ये वाला प्रोडक्ट्स को आप रिप्लेस कर दें और ये वाला प्रोडक्ट्स लेना शुरू कर दें। मतलब वो जो आपको बताया जो बॉयकॉट वाली भी एक कैंपेन चली थी, सो वो चाहती है कि हर चीज के अंदर ना वो आकर अपने आप को ना एक मुसलमान का लेबल लगाकर और वो अपने चीजें बेचना चाहती है। दैट इज द रॉन्ग वे टू गो अबाउट इट। इस तरह से पाकिस्तान के अंदर आपके मुल्क के अंदर डिविजन्स बढ़ती है। सो आई डोंट थिंक के एंड इसको ही कहते हैं मौके का भरपूर फायदा उठाना। सो शी अपॉर्चुनिटीज ऑल ऑफ दैट। आई एम नॉट सेइंग डोंट बी डोंट शो सॉलिडैरिटी, शो इट बट डू नॉट do it the way you are doing. Show it with sending some, you know, organizing some charity, is tarah ke funds bheje jaye unko. This is what they need. I mean, they don't need your designer, jo designer new line tumne shuru ki hai ya tumhari jo clothing line hai, usko unse koi fayda nahi hone wala. And by the way, as you are saying ki हमारे ये बड़ी पुरानी है यहाँ पे, if you remember, बहुत से ऐसे blonde जो बड़े बड़े नाम है, सना सबीना, नॉर्मली दे डू अ लॉट ऑफ इस तरह की स्टंट करते हैं ये लोग। अगर तुम्हें याद होगा सना सफीना के ऊपर भी, जब वो लोग अफ्रीका में गए थे वहां पे उन्होंने मॉडलिंग जो मॉडल्स को उन्होंने वो रेसिस्ट किस्म की उन्होंने बहुत बड़ी कैंपेन चलाई थी। अच्छा अपनी तरफ से तो सोच रहे थे आप तो बड़ा अच्छा काम करोगे, मतलब मुझे ये लगता है कि इनको एक तो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, इनको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि जी अगर हमने मार्केटिंग करनी है या हमने स्टैंड आउट करना है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द यू नो मार्केट या लॉन के जो भी है, मतलब स्पेशली दीज क्लॉथिंग लाइन। क्योंकि तुम्हें पता है जो हमारे पाकिस्तान में जो सर्वेज हैं वो ये कहते हैं कि जी जो ये आपके ब्रांडेड जोड़ा है, ब्रांडेड लॉन जो है, ये आपका मोस्ट एक्सपेंसिव कॉमोडिटी है जिसपे पाकिस्तानी पैसा खर्च करते हैं। सो ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, सना सफीनाज है, गुल अहमद है, मारिया भी है, यू नो ये जो डिजाइनर्स हैं हमारे, तो उनको फिर समझ नहीं आती ना कि जी अब हमने अपने जो अगला आना है सीजन उसमें हमने लोगों को अट्रैक्ट कैसे करना है। सो दे गो फॉर ऑल काइंड ऑफ द स्टंट और ऑल काइंड ऑफ दिस यू नो हरकतें जिसमें उनको कुछ समझ नहीं आता है कि जी ये डेरोगेटरी है या आप किसी को हर्ट कर रहे हैं या फिर किसी की फीलिंग वो कर रहे हैं। और बस इनका ये होता है कि जी हम अपने आप को पॉपुलर या फिर ज्यादा फेमस कैसे करते, हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा कैसे बिके, बस इनका ना मतलब मार्केटिंग
मीडिया टीम है उसको थोड़ा सा ये आप बताएंगे मरी भी क्या है, नो आइडिया उसकी मीडिया टीम कौन है क्या है, बट द थिंग इज दे डू नीड सम पीपल हु हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीडिया लिटरेसी कि आपने क्या कंटेंट दिखाना है, किस तरह से उस कंटेंट को दिखाना है, किस तरह से आपने विदाउट यू नो हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ अदर हाउ कैन यू मार्केट योरसेल्फ। एक जो चीज ये होती है जस्ट जंपिंग ऑन द बैंडवैगन डज नॉट रियली वर्क, एंड बिसाइड्स दैट इसका दे डू नीड अ बेटर पब्लिसिस्ट। आई मीन मारिया बी ने अपना जो इमेज बना दिया है वो इतना strange image hai that I don't understand what is she advocating for. She's advocating for ke LGBTQ wala nahi hona chahiye. She's actually I guess transgender if you think of it. She aur tumhe yaad hai isne wo jo beech mein kiya tha Barzakh drama jo hai ki ji main to uske liye wo haan ban karo isko maine to likha hai letter Barzakh if you know she has been campaigning against jo aapka Joyland thi उसके अगेंस्ट भी उस पर भी सो शी हैज बीन कैंपेनिंग अगेंस्ट एवरीथिंग ठीक है। सो दैट इज माय प्रॉब्लम विद हर के यू कैन नॉट बी एडवोकेटिंग एवरीथिंग ऑल द टाइम और आप हर वक्त मतलब एवरी टाइम शी इज एनीवेयर व्हाट शी डज इज के वो ना एक बंदे को ही उठा के टारगेट करती रहती है। शी इज अगेंस्ट द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, शी इज नॉट रेडी टू बज फ्रॉम हर स्टैंड पॉइंट व्हाटसोएवर एंड एडमिट के भाई मैं गलती भी कभी कर सकती हूँ। इतना ज्यादा आप यू नो सो आई थिंक इट्स रियली कॉम्प्लिकेटेड व्हेन इट कम्स टू मारिया बी। I would very much hesitate to be in the same spot with Maria B because I don't align with her policies, what she says. I think I'm a very neutral person and very objective when it comes to this. But then Maria B is one person jiske saath na I cannot agree because she's too out there. She is too vocal about things that probably you should not be vocal about. And she does not recognize the problem at home. और उसका दिल करता है ऊपर लेके जाके problem जो है ना उनका। और शीजा ये देखो कि इतना बड़ा मतलब उसके ऊपर जो आई मीन इट्स प्लेजरिज्म, आप एक डिजाइन कॉपी कर रही हैं और ब्लंटली कॉपी कर रही हैं और बाद में उसको जस्टिफाई भी कर रही है अपनी गलती अपनी कॉपी करने को अपने क्राइम करने को ऑनलाइन जो उसने क्राइम किया है या जो भी एथिकल इशू एक वो वायलेट किया है या चोरी की है, मैं तो सिंपल वर्ड्स में कहूंगी एक डिजाइन आपने पूरा उसका जो है वो चोरी आपने खुद अपने पे लगाया और बाद में लोगों ने जब आपको पॉइंट आउट किया अलीना गनी जिस तरह उसने जाके फिर उसने अलीना गनी के पहले तो कुछ सुन नहीं रहा था उसने फिर कैंपेन चलाई फिर उसके बाद उसने ना उनको टैग किया उस टर्किश जो डिजाइनर है कि ये देखे जी ये डिजाइन इसने यहाँ से उठाया है फिर उसके बाद शी वॉज साइलेंट फॉर 3 to 4 days फिर जी अपनी ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे आके कहती है कि मैं उसके एग्जैक्ट वर्डिंग तो नहीं मुझे याद उसने क्या लिखा लेकिन व्हाट शी वॉज ट्राइंग टू टेल कि नहीं बिकॉज यू नो इट्स एन इंटरनेट और वेब के ऊपर बहुत सी तस्वीरें विजुअल्स जो है वो होती है देन यू गेट इंस्पायर्ड व्हाइल यू आर डिजाइनिंग तो बस इस तरह का कुछ हुआ है एंड आई अप्रिशिएट दैट टर्किश डिजाइनर के ही इज डूइंग सो मच फॉर द फिलिस्तीनीज एंड हमें कोलैबोरेट करना चाहिए बल्कि इट वॉज काइंड ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन मी एंड हिम उस बेचारी को पता भी नहीं होगा कि मेरी कोलैबोरेशन है भी या नहीं मैं इसको जानता हूँ उसको भी पता मारिया भी कौन है ठीक है दिस इज सो बैड आपको पता है दिस इज सो बैड प्लेजरिज्म को इतना सीरियसली लिया जाता है इट्स कॉल्ड इंटेलेक्चुअल थेफ्ट इट इज जस्ट लाइक मी सेइंग कि आपका फोन जो है मैं उठा लूं और कोई ये मेरा हो गया इट्स जस्ट लाइक दैट चोरी किसी के डिजाइन को किसी की क्रिएटिविटी को अपना कह के नहीं निकाल सकते एंड बेसाइड्स आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ जी आप पाकिस्तान में जितने ये आपके जितने ये ड्रेसेस वगैरह बनते हैं जो बच्चों की कंपनीज हैं मतलब मुझे बच्चों के ब्रांड से ज्यादा पता है सो वो जितने ड्रेसेस वगैरह बनाते हैं बच्चों के शर्ट्स वगैरह बनाते हैं मोस्ट ऑफ देम व्हेन आई से मोस्ट आई मीन 90% ऑफ दीज क्लोथ्स ये सब जो है इन्होंने प्लेजराइज किया होता है इन्होंने छापे होते हैं H&M डिजाइन होते हैं मदर केयर के डिजाइन उन्होंने कॉपी किए होते हैं जो हमारे यहाँ तो इंटेलेक्चुअल ओनरशिप कोई है ही नहीं और इसी वजह से आई थिंक इट बिकम्स वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर आर्टिस्ट
टू सर्वाइव। एंड जब आर्टिस्ट हैं, जो ये इनका काम आर्ट है ना, फैशन डिजाइनर्स जो हैं, दे आर आर्टिस्ट देमसेल्फ्स, अगर वही चीज को सेफगार्ड नहीं करेंगे, इस चीज के ऊपर करेंगे, तो फिर कौन सा आके बंदा करेगा। सो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपकी जो इंडस्ट्री है, आर्ट की जो भी लोग हैं, आर्टिस्ट, दे टेक अ स्टैंड फॉर दिस, बिकॉज मोर देन देम, उनसे ज्यादा किसको पता होगा कि जब आपकी कोई क्रिएटिविटी को चोरी कर लेता है, अपने नाम से छापना शुरू कर देता है, तो हाउ मच दैट हर्ट्स, बिकॉज दिस इज समथिंग, पाकिस्तान में, डू यू थिंक लोगों को पता नहीं, मुझे तो लगता है आधे से ज्यादा लोगों को तो पता भी नहीं चला होगा कि हुआ क्या है। और अगेन, हाँ, दे डोंट केयर कि किसी ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या चोरी की है, और मतलब दे आर, मुझे अगर तुम वो क्लास कहोगी, वो मुझे लगता है 20% होंगे शायद लोग जो इसको कंडक्ट करेंगे, जो कहेंगे इसने गलत काम किया है। रेस्ट ऑफ देम, मुझे तो लगता है उन्होंने पैसे फेंकने और ले लेने उसके, यू नो, ड्रेसेस एंड देन टेक देम, दे डोंट काम। पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स बहुत बेसिक हैं, आपको नहीं पता अभी आपकी लाइट आ रही है, अगले 10 घंटे के लिए आपकी लाइट चली जाए, आपको नहीं पता ये कि ये लाइट है, आनी भी है कि नहीं आनी, आपके घर पानी अभी आ रहा है, खत्म हो जाएगा आना, तो आपको देयर इज नो सिक्योरिटी व्हाटसोएवर, सो पीपल आर वेरी मच इन्वॉल्वड एंड दे आर वेरी मच, यू नो, कंज्यूम्ड बाय अपनी जो आगे पीछे की उनकी रोजमर्रा की जिंदगी है उसके अंदर, बिकॉज आपको देयर इज नो सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सो इस वजह से लोग जो है इन चीजों के बारे में सोचते भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, ना ही इतनी अवेयरनेस है। आई थिंक दिस इज हाई टाइम दैट, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जो है ये वाला काम करें, दिस इज रॉन्ग, रॉन्ग इज अ रॉन्ग, पीपल से कॉल इट रॉन्ग और डू नॉट कॉल इट रॉन्ग, चोरी तो चोरी ही है, ठीक है, सो दैट इज, हाँ, सो दैट इज द बॉटम लाइन, और इसके अलावा तो कोई बात नहीं है। आई मीन कुछ चंद लोग जो हैं जो इसको इम्पोर्टेंट समझते हैं, जो प्लेजरिज्म को अंडरस्टैंड करते हैं, दे विल अंडरस्टैंड कि व्हाट्स गोइंग ऑन, और वो उसको कंडेम करेंगे, आई थिंक इट्स गोइंग टू यू नो स्नोबॉल लेटर ऑन, लेकिन फिलहाल जो है आई थिंक इट्स गुड के लोग जो है उसको, जितनी भी छोटी मोटी कम्युनिटी कंडेम करिए, दैट्स फाइन, आई मीन आप वो नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान में लोगों के मसले बहुत ही बेसिक है, यहाँ पे तो सड़क पे लोगों को मार के चले जाते हैं, आपको जस्टिस मिलना है नहीं मिलना आपको पता नहीं चलता, सो व्हाट इज, सो ये मसले बहुत दूर के है, सो एक्चुअली वो मतलब वो यही बात है ना, देखो ना, गवर्नमेंट ने भी इनको, आम बंदे को या हर पाकिस्तानी को मुझे तो लगता है उठाया हुआ है ज्यादा बिलों में, पानी में, इलेक्ट्रिसिटी में, मतलब लोग इसी में उलझे हुए हैं, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो ये चीजें भी देखें कि जो लग्जरी ब्रांड्स हैं हमारे, इनके साथ लोग चोरी कर रहे हैं, हमारी अपनी साहिबा क्या कर रही हैं, तो वो मैं नहीं लगता लोगों को। आप दफ्तर से जब घर जा रहे होते हैं, ये दफ्तर से घर का जो सफर होता है ना, लोग बहुत दूर घर नहीं लेते हैं दफ्तरों से, ये जो 20 मिनट का हार्डली सफर होता है ना, आधे घंटे का सफर होता है गाड़ी के ऊपर, वो आपका 1 से 1.5 घंटे का सफर बन जाता है, सो लोगों का कम्यूट टाइम इतना लंबा हो चुका हुआ है बिकॉज ऑफ दी थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन अराउंड, यहाँ पे खड़े होकर नाका लगा देते हैं, वहां पे खड़े होके एक यू नो एक बुक शुरू कर देते हैं कि यहाँ से प्रोटोकॉल ने गुजरना है, सो आपकी लाइफ इतनी मिजरेबल है, कहीं पे खुदाई शुरू कर देते हैं, तो आपकी जो मतलब आइडिया है आपको इतना उलझा के रखा हुआ है बेसिक चीजों में कि आप ये ना समझते मेरे घर किस वक्त पहुंचना है यार, कि ये चीजें जो है ना आप दे बिकम पॉइंटलेस एंड बिसाइड्स इट्स नॉट देयर फॉल्ट, ये आपकी हुकूमत का फॉल्ट है जिन्होंने आपको डेलिबरेटली पागल बना के रखा हुआ और आप लोगों को इतना उलझाया हुआ है कि हम लोगों को समझ ही नहीं आती कि हमने कुछ और भी बात है ना, वो लोग ज्यादातर वो अपनी बेसिक नीड्स सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, बिजली का, कैसे गर्मी है, इस वेदर में कैसे रहना है, आई थिंक ये जो बेसिक वसाइल है हमें तो यहीं से ही नहीं फुर्सत मिल रही है कि आप कुछ और सोचें, कि जो इतने बड़े बड़े डिजाइनर्स हैं ये चोरी कर रहे हैं आगे पीछे इंटरनेशनली और अपने उस पर लगा रहे हैं, सो मुझे लगता है हम लोग किसी में उलझ गए हैं और इन्हीं मसाइल के बारे में सोचते रहते हैं, और मीनवाइल दीस डिजाइनर्स दे आर यू नो डूइंग व्हाटएवर दे वांट, लेकिन आई थिंक वी हैव सम पीपल ऑन द इंटरनेट जो थोड़े विजिलेंट है, जो जाग रहे हैं, देख रहे हैं और इन लोगों को पॉइंट करते हैं, देन दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, व्हिच इज गुड। आई मीन हो सकता है अब मुझे आई डोंट नो व्हाट इज नेक्स्ट, अब मारिया बी जो है वो आगे क्या करेगी, अब देखो उसका अगला वाला स्टार्ट क्या आने वाला है,
what she's going to do. I think that's very important because Maria B जो है खुद पढ़ी लिखी है, खुद जो है उसको पता है प्लेजरिज्म क्या होता है, और उसके अपना कोई डिजाइन को कोई छापेगा तो आई एम श्योर उसको कोलैबोरेशन नहीं कहेगी. तो इट इज वेरी, जो भी चंद लोग पॉइंट आउट करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, बट द थिंग इज के दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट. बार बार इसके बारे में बात करेंगे तो आवाम को समझ आ जाएगी कि मसला क्या है, एंड बहुत चांसेस हैं कि लोग जो है इन चीजों को आइंदा से नोटिस करना शुरू करेंगे. इसी के साथ हमें इजाजत दीजिएगा. डू राइट टू अस एंड लेट अस नो व्हाट यू थिंक ऑफ मारिया बी, हर डिजाइन, हर कैंपेन एंड हर ओवरऑल पर्सोना जो उसने सोशल मीडिया के ऊपर बनाया हुआ है. हमें इजाजत दीजिएगा. अल्लाह हाफिज़. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.